हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मजे में होंगे। और मैं भी एकदम ठीक हूँ। अभी तो अभी बज रहे हैं 8:30 और आज है संडे, मतलब रात का 8:30 बज रहा है, सुबह का नहीं, रात का 8:30 बज रहा है। तो अभी हम लोगों के डिनर में चाउमीन बन रहा है, तो सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ चाउमीन का रेसिपी, क्योंकि वो मेरा रेसिपी नहीं है, मेरे पतिदेव का रेसिपी है। आज वो डिनर में चाउमीन बना रहे हैं, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए। तो चलिए दिखाती हूँ कैसे बना रहे हैं। चिमनी चल रहा है, पता नहीं आवाज़ आएगा कि नहीं। देखिए यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स कट कर लिया है। यहाँ पे प्याज है, ये बीन्स है, और ये कैप्सिकम, हरा मिर्ची और नमक, ऑयल। यहाँ पे मैं कुछ कुछ रेडी करके दे दी हूँ। ये सारे वेजिटेबल्स भी मैंने कट करके दे दिया है। और यहाँ पे ये कौन सा, ये क्या है, ब्लैक सॉल्ट है और ये ब्लैक पेपर है। और भी चीज़ जाएगा इसमें, और भी चीज़ें हैं। क्या क्या जाएगा अभी मुझे फाइनल तो पता नहीं है। यहाँ पे चाउमीन भी बॉयल हो गया है, तो देखिए यहाँ पे चाउमीन भी बॉयल हो गया है। तो चाउमीन को ठंडा पानी से एक बार धो ले रहे हैं। तुम चाउमीन में ऑयल दिए थे? तो चाउमीन को इस तरह से ठंडा पानी से एक बार धो लेने से चाउमीन एक्चुअली चिपकता नहीं है एक के साथ एक, और एकदम खिला खिला रहता है अलग अलग। ये रेसिपी तुम कहाँ देखे थे, मतलब ये ऐसा चाउमीन को रखने का कैसे, कहाँ देखे थे? YouTube में। किसका? बोलो। संजीव कपूर का वीडियो है। संजीव कपूर का वीडियो में ऐसे चाउमीन को ठंडा पानी में भिगो देने से चाउमीन चिपकता नहीं है, तो वो ही देखे थे YouTube पे, तो वही बता रहे हैं। पतिदेव अभी भी कैमरा फ्रेंडली नहीं हुए हैं, अभी भी कैमरा में आने से थोड़ा सा साय फील करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई को गरम कर लिया, उस पर ऑयल डाल दिया है। ऑयल को अच्छे से गरम कर लेना है। उसके बाद ये जो प्याज मैंने कट करके रखा था, प्याज डाल देना है। और प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेना है, अच्छे से मतलब क्या, प्याज ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करना है, बिल्कुल भी लाल नहीं करना है। लाल करने से अच्छा नहीं लगेगा, जल जाएगा सब प्याज, तो बिल्कुल भी मुँह में आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए प्याज भी अच्छे से फ्राई हो गया है। और उसके बाद सारे वेजिटेबल्स ऐड कर दिए जो मैंने कट करके रखा था। इसमें चाहे तो आप और भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास जो था मैं वही ऐड करती हूँ। तो चलिए वेजिटेबल्स को अच्छे से फ्राई कर लेना है, नमक ऐड कर देना ताकि सब्जी सब जल्दी जल्दी गल जाए, मैंने जल्दी पक जाए। पूरा पकाना नहीं है, आधा ही पकाना है कि जब चाउमीन के साथ मुँह में आएगा तो अच्छा लगेगा, इसीलिए तो आधा आधा पकाना है। उसके बाद देखिए चाउमीन ऐड कर दिया है और सारे सब्जी और चाउमीन को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें नमक वगैरह सब ऐड कर दिया गया है, ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक पेपर और वाइट सॉल्ट सब ऐड कर दिया है। कब सुकेंदु कब ऐड किए मुझे पता ही नहीं चला, तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं निकाल पाई। तो जो भी है देखिए सब पूरा अच्छे से उसको मिक्स कर लेना है अच्छे से, नहीं तो चाउमीन कच्चा कच्चा लगेगा। अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करते करते मेरा किचन का जो हालत हुआ है ना, बाप रे बाप, मेरा तो सफाई करने में हालत ख़राब हो जाएगा। पर लास्ट में ट्विस्ट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मज़ा आएगा वीडियो देखने में। चाउमीन बन रहा है, ये सब क्लीनिंग मुझे ही करना पड़ेगा। पतिदेव सिर्फ चाउमीन बना के निकल जाएंगे। टेस्ट करे। तुम डालो मैं तो डाल दो। ग्रीन चिली सॉस खत्म हो गया, भूल गए हम बोलना। नहीं ये टमाटो, हाँ सॉरी टमाटो सॉस, पिछला में तुम टमाटो सॉस ही डालते हो। नमक कम है? हाँ नमक कम है। कितना कम है? डालो दे पूरा? नहीं पूरा मत डालो। देखो ठीक है।
अभी तो तुम और फ्राई किए हो ना उसको, तो वो और फ्राई हो गया है। आगे देखो थोड़ा सा। तो यहाँ पे तो आज हम लोग डिनर में चाउमीन खा रहे हैं। रोज रोटी चावल ये सब खा के बोर हो गए थे, तो सुकिंदु बोले कि चलो आज मैं चाउमीन बनाता हूँ, मतलब वो चाउमीन बना रहे हैं और मैं खा रही हूँ। तो चलिए अभी टेस्ट करते हैं कैसा बना है। अच्छा बना, नमक भी ठीक है। वाइट चाउमीन खाते हैं, सॉस वॉस दे के उतना अच्छा नहीं लगता है मुझे। तुमको अच्छा लगता है ना सॉस वॉस दे के? मेरे को उतना सॉस वॉस दे के अच्छा नहीं लगता है, मेरे को वाइट चाउमीन ही अच्छा लगता है। और इसमें अगर आलू दे दिया जाता तो और भी अच्छा लगता है। बस किंतु तो आलू पसंद नहीं है चाउमीन में, तो इसीलिए नहीं दिए। हमेशा मेरा पसंद का बनता है, आज उसका पसंद का बना, कोई बात नहीं। तो चलिए, आप लोग कितना आवाज करते हो, तो चलिए आप लोगों को एक बार चाउमीन का फाइनल लुक दिखाते हैं। तो ये है चाउमीन का फाइनल लुक, ऐसे ऐसे दिखाती हूँ लाइट में। वाइट वाइट चाउमीन। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपना डिनर लेके बैठ गए हैं, यम्मी सा चाउमीन। आज बहुत दिन बाद हम लोग चाउमीन खा रहे हैं, बहुत दिन चाउमीन तो खाना जैसे हम लोग छोड़ ही दिए थे। तो आज हस्बैंड बोले कि मैं चाउमीन बनाता हूँ, तो मैं बोले कि चलो अच्छा है, मुझे डिनर बनाने से छुट्टी मिल जाएगा, तो इसीलिए आज हम लोग चाउमीन खा रहे हैं। वैसे बाहर का चाउमीन से तो घर का चाउमीन बेटर है, उसमें बाहर का मसाला तेल सब पता नहीं कैसा होता है, बट घर में ऐसे बना के खाओ तो बेटर है, बाहर से तो बेटर है। तो चलिए अपना डिनर कम्प्लीट करते हैं, उसके बाद मिलती हूँ। डिनर वगैरह कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे देखिए किचन सफाई हो रहा है, मुझे करने नहीं दिया। बोला मैं गंदा खड़ा हूँ तो मैं ही क्लीन करूँगा, तो खुद क्लीन कर रहा है, तो चलो मेरा ही अच्छा है। मेरे को काम नहीं करना पड़ा, मन भी नहीं कर रहा था मेरा अभी किचन क्लीन करने का। तो देखिए ऐसा पति होता है जो डिनर भी बना दिया और किचन भी क्लीन कर दिया। देखिए पूरा किचन क्लीन चकाचक। ये भी तो धोना होगा, ये तो पोंछ दियो ऊपर से ऐसे करके। नहीं तुम इसको मांजने डाल दो। तुम साबुन से पोछे हो? चल झूठा, हम तो देखे नहीं। देखे नहीं मतलब इधर से साउंड पिच पिच करके ले जाओ। ओ तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग का डिनर वगैरह तो हो गया है, और ओके फैन ऑफ कर देती हूँ नहीं तो फैन का आवाज आएगा। तो चलिए फिर बस आज के वीडियो को इतना ही रखती हूँ, मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट कोई वीडियो लेके। तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को अच्छे से पता है, वीडियो अगर अच्छी लगे आज, और लगनी ही चाहिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बोलो बोलो आज तुम बोलो। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो में कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बगल में छोटी सी बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, टाटा कर दो, टाटा। चलिए टाटा।